इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। और इन यूनिवर्सिटीज़ में 3 से कम भी अगर CGPA है आपका, फिर भी एलिजिबल हो आप अप्लाई करने के लिए, अनलाइक सम अदर यूनिवर्सिटीज़। अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज की वीडियो में भी मैं एडमिशन्स की ही बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि आजकल एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं डिफरेंट इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने कहा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ का आपको बता दूँ जिधर एडमिशन अभी ओपन है। और इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ की एक सबसे अच्छी बात जो मैंने स्टार्ट में भी बताई कि इधर कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, इसलिए आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। तो अब मैं आपको इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम बता देता हूँ। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में जो एप्लीकेशन सबमिट करने की अभी वाली कॉल की डेडलाइन है वो 21 फरवरी है। इधर दो कॉल्स पब्लिश होनी है, एक 1 फरवरी को हुई थी उसकी 21 फरवरी डेडलाइन है, और सेकेंड आई थिंक 22 मार्च को होगी उसकी 3 मई को होगी डेडलाइन। तो फर्स्ट कॉल में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अप्लाई करना, क्योंकि अभी सीट्स फुलफिल नहीं हुई होती, तो इसलिए बेहतर है 21 फरवरी से पहले पहले आप अप्लाई करें और मतलब एडमिशन हासिल करें विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी। और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा की एक ही कॉल है और उसकी डेडलाइन है 19 मार्च। तो ये डेडलाइंस को मीट करें और अप्लाई करें। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स वही हैं बेसिक, आपको बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए होगी। अगर ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री नहीं है अभी आपके पास, ये भी मैं बता दूं, बहुत से लोग पूछते हैं अभी हम फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हो ना, तो जो आपके कंप्लीटेड सेमेस्टर्स हैं उनकी इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट्स आप एक ही फाइल में मर्ज करके यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा डिग्री की जगह आप या तो होप सर्टिफिकेट बनवा लो यूनिवर्सिटी से। उस तरह के भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके सारे सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए होते हैं पर डिग्री नहीं मिली होती, तो उस केस में आप फाइनल ट्रांसक्रिप्ट की बेस पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो यूनिवर्सिटी से। तो एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं, बस वीज़ा के लिए लाजमी होता है कि आपके पास फाइनल डिग्री हो, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट हो। तो एनीवेज ये दो मेनली डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके अलावा इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट मेसिना में चाहिए, जेनोवा में नहीं चाहिए। एनीवेज ये जो माइन्यूट डिटेल्स हैं ये आपको इधर नीचे कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा होगा, इधर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई भी हमारे थ्रू करवाना है तो आप हमें बता सकते हैं कॉन्टैक्ट करके, तो उधर आपको बाकी डिटेल्स भी बता दी जाएंगी। तो उसके अलावा वही CV चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, और यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा में एक और रिक्वायरमेंट है सिलेबस के नाम से एक हेडिंग है डॉक्यूमेंट की, तो उसमें जो आपकी कोर्स आउटलाइन थी ना बैचलर्स की, तो वो आपने अपलोड करनी होगी, तो आपको आपके डिपार्टमेंट से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएगी। तो इसके अलावा जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा में, तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा डाटा साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी है, बाकी अभी मैं सारे ऐसे तो नहीं बता पाऊँगा, तो इधर आपको लिस्ट शो हो जाएगी। और यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में बिज़नेस से रिलेटेड एक प्रोग्राम है, डाटा साइंस है और कुछ और भी हैं, और उसके अलावा कुछ बैचलर प्रोग्राम्स भी हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में ऑफ़र हो रहे हैं, तो उनकी भी लिस्ट आपको इधर स्क्रीन पर अभी शो हो जाएगी या हो गई होगी। तो बस यही है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अप्लाई करें, खुद अप्लाई करना चाहते हैं खुद अप्लाई करें, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें गिवन व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पे, हम आपको सारी डिटेल्स फर्दर बता देंगे। तो बॉटम लाइन यही है कि डोंट मिस अ चांस, आजकल हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं, कुछ में होने हैं नेक्स्ट मंथ से, कुछ में हुए हुए हैं, तो यही दिन है एडमिशन सिक्योर करने के, क्योंकि एडमिशन ही मेन प्रीरिक्विजिट है रीजनल स्कॉलरशिप का। तो बस एडमिशन सिक्योर करें अभी से, ताकि आप फिर रीजनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सके। लाइक नाउ इज़ द टाइम, सो गो अहेड एंड अप्लाई एंड होपफुली सी यू इन इटली बाय सितंबर और अक्टूबर। तो दैट्स इट फॉर नाउ, आई थिंक सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।